हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यार्न फॉर्मेशन और स्पाइनिंग, यानी कि सूत निर्माण और कताई के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फटाफट से पहले ज्वाइन हो जाइए, फिर जो है वह सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। नमस्ते धीरज जी। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई तंतु है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई क्या है, तो वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई तंतु कहलाती है। ठीक है, तो तंतु से वस्त्र निर्माण के सोपान में सूत निर्माण इन दोनों के मध्य की कड़ी है। तो वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई तंतु है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। नमस्ते नीतू जी। तो सबसे पहले देखिए, तंतु, धागा या सूत और वस्त्र, यानी कि जो वस्त्र की प्रारंभिक इकाई है, आधार इकाई है, वह है तंतु। तंतु से क्या बनता है, तंतु से बनता है धागा, यानी कि सूत बनता है। तो जो तंतु से जो सूत बनने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि तंतु से धागा बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कताई। ठीक है, ध्यान से समझिए कि कताई किसे कहते हैं। तंतु से धागे निर्माण में जितनी भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कताई। फिर वही धागे से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। आगे देखते हैं, एक डेफिनेशन देख लीजिए कि सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है, जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये डेफिनेशन है हॉलैंड, सैडलर और लैंगफोर्ड की। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है सूत से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, तो अभी मैंने बताया कि वस्त्र निर्माण यानी कि जो तंतु से धागा बनने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं कताई। अब यहाँ तक चीज़ें हो गई, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, कल मैंने अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया था कि जो तंतु होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो फिलामेंट तंतु होता है और एक होता है स्टेपल तंतु। फिलामेंट तंतु लंबे तंतु को कहते हैं और स्टेपल तंतु कहते हैं छोटे तंतु को। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो और एक और बात कि एक ऐसा तंतु है, आप लोग बताइए कमेंट करके, कि है तो वो नेचुरल, फिर भी वो क्या है, वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। कौन सा तंतु है? हेलो जयश्री। चलिए ठीक है, तो फिलामेंट और स्टेपल तंतु आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कताई से सूत बनाने की विधियाँ, यानी कि अभी मैंने बताया कि कताई से, हाँ करेक्ट है धीरज जी, सिल्क नेचुरल है, फिर भी क्या है, वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। और बाकी जितने भी मैनमेड रेशे हैं, वो सारे फिलामेंट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो कताई से सूत बनाने की विधियाँ, यानी कि जो तंतु है उससे सूत बनाने की जो विधि होती है, उसको, उस प्रोसेस को, उस स्टेप्स को हम लोग कहते हैं कताई। अब कताई में कितनी चीज़ें आती हैं, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन आ जाता है सीरियल में लगाने के लिए कि कौन सी कताई की प्रक्रिया को जो है वह ठीक से लगाइए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग में क्या रहता है कि इसमें तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्राय उलझे हुए और अशुद्धियों से घिरे हुए होते हैं, यानी बहुत सारी उनमें अशुद्धियां होती हैं और तंतु गंदे होते हैं। तो यही सफाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कार्डिंग कहलाती है। इन अशुद्धियों को पृथक करके इन तंतुओं को सीधा व समानांतर किया जाता है, उनकी पूनियाँ बनाई जाती हैं। ध्यान से समझिएगा कि पूनियाँ उनकी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कार्डिंग के बाद क्या आता है, कौन सा प्रोसेस आता है, तो कॉम्बिंग आता है। कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना, यानी तंतु को साफ करके उनकी पूनियाँ बना ली जाती हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको कंघी किया जाता है, यानी सुलझाया जाता है, सीधा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटे तंतु और लंबे तंतु अलग हो जाते हैं। तो जो छोटे तंतु होते हैं, उनको खींच कर निकाल लिया जाता है, या तो छोटे तंतुओं को खींच कर निकाल लिया जाता है, या फिर बड़े तंतुओं को खींच कर निकाल लिया जाता है, यही कहलाता है ड्रॉइंग आउट। फिर उसके बाद रोविंग की जाती है, यानी घुमाव दिया जाता है, फिर कताई करके उसका धागा बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्रोसेस मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिससे कि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक, बाकी चैप्टर की PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डिटेल में पढ़ाने का भी टाइम है नहीं, यहाँ तक ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं, फिर भी मैं इसको शेयर कर दूंगी।
आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया कि कताई। टीजीटी पीजीटी में देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आगे देखते हैं सूत के प्रकार। नेक्स्ट है हमारा सूत के प्रकार। सूत कितने तरीके के होते हैं, तो सादे सूत्र, सादे सूत, टेक्सचर सूत और स्पन सूत। ध्यान से समझिएगा, सूत मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं, सादे सूत, टेक्सचर सूत और स्पन सूत। ठीक है, अब देखिए सादे सूत भी कितने तरीके के होते हैं, तो सादे सूत होते हैं इकहरा यानी सिंगल यार, प्लाय सूत्र यानी कि दोहरे, और कार्ड या रस्सी। अब इनको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इकहरा सूत्र आप लोग देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे। इकहरा सूत्र ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इकहरा सूत्र ये क्या है, इकहरा सूत्र, इकहरा सूत्र प्रथम घुमाव क्रिया है। ठीक है, आप कोई भी धागा लीजिए उसको इस तरीके से रोल करेंगे तो इकहरा सूत्र जो है वह बनेगा। कोई भी इकहरा सूत्र है धागा तो क्या इकहरा होता है, जबकि प्लाय कैसे बनता है कि दो इकहरे सूत्र यानी ये इकहरा सूत्र और ये इकहरा सूत्र मिलके क्या बनाते हैं, प्लाय सूत्र बनाते हैं। ठीक, इसी तरीके से दो प्लाय सूत्र मिलके क्या बनाते हैं, तो कार्ड सूत्र बनाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि दो इकहरे सूत्र मिलके क्या बनाते हैं, तो प्लाय सूत्र बनाते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्लाय सूत्र मिलके क्या बनाते हैं कॉर्ड या फिर रस्सी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नॉवेल्टी सूत की तरफ, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इससे देखने को मिलता है। तो नॉवेल्टी सूत में क्या, नॉवेल्टी सूत से बने वस्त्र सामान्यतः तो उतने मजबूत नहीं होते। मजबूत क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें ऐंठन की क्षमता कम होती है, यानी कि कम ऐंठन होता है। नमस्ते सीनू जी, ऐंठन कम होता है, ऐंठन कम होने की वजह से क्या होता है, वो मजबूत नहीं होते। देखिए देखिए देख रहे हैं ना आप लोग, पिक में देखिए कि ऐंठन कम होती है। ऐंठन कम होने की वजह से देखने में तो ये सुंदर लगते हैं, देखने में सुंदर और हल्के लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं। नॉवेल्टी सूत, तो नॉवेल्टी सूत्रों को जिन ट्विस्टर पर बनाया जाता है उनमें विशेष अटैचमेंट लगे होते हैं जो कि विभिन्न प्लाय को विभिन्न तनाव और गति पर बनाते हैं, जिनमें उन्हें ढीलापन, धुंधलापन या घुमाव या लूप के क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, यानी हल्का तो होता है और ऐंठन कम होने की वजह से वह मजबूत नहीं होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए नॉवेल्टी सूत की परिभाषा कैसे दिया है यहाँ पर, ऐसे सूत जो नियमित अंतरों पर अनियमित हो, यानी नियमित अंतरों पर अनियमित हो। देख रहे हैं आप लोग, पिक से समझिए, नियमित अंतर है लेकिन अनियमित है, एक जैसे नहीं है, तो ऐसे सूत क्या कहलाते हैं, तो ऐसे सूत कहलाते हैं नॉवेल्टी सूत। यहाँ तक क्लियर, आगे देखते हैं जमीन। देखिए एक विशेष नॉवेल्टी सूत के तीन भाग होते हैं, यानी नॉवेल्टी सूत के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, तो जमीन या फिर न्यू या फिर केंद्रीय भाग, दूसरा है फैंसी या प्रभाव उत्पन्न करने वाले भाग, और तीसरा है बांधने वाला भाग। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। नॉवेल्टी सूत होता क्या है बेसिकली, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ना छूटने पाए। अब देखिए नॉवेल्टी सूत के प्रकार कितने होते हैं, कई तरीके के होते हैं, आप लोग सिर्फ नाम जानिए, क्या है उतना जानने की जरूरत नहीं है। तो रेटिने नॉवेल्टी सूत, सर्पाकार नॉवेल्टी सूत, ये सब क्या है, ये सब नॉवेल्टी सूत के प्रकार हैं। गांठदार नॉवेल्टी सूत, स्पाइक नॉवेल्टी सूत, घुंघराला नॉवेल्टी सूत, स्लब नॉवेल्टी सूत और चेनीले नॉवेल्टी सूत। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से भी ऐसा जितना कुछ भी नहीं है करघे वगैरह से। हाँ, अब देखेंगे हम लोग वस्त्र की संरचना और बुनाई, सारे चैप्टर को हम लोग देखेंगे एक एक करके, वस्त्र की संरचना और बुनाई। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं, सीधे हम लोग आते हैं बुनाई पे। ठीक है, तो बुनाई पे आते हैं। दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को ध्यान से सुनिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। पीछे रिपीट करा दें, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। करघे से क्वेश्चन आते हैं, हाँ करघे से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ बुनाई इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बुनाई इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुनाई देखते हैं। दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे के से सीधे कोण पर गूंथने की क्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक है तो उसको सीधे इस तरीके से, चाहे वो जिस भी कोण में कटे, एक दूसरे से कोण में कटे हैं तो क्या कहलाते हैं, तो बुनाई कहलाते हैं। लंबाई की दिशा वाले तंतु को ताने का सूत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ताने का सूत्र किसे कहते हैं, तो जो लंबाई की दिशा, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो लंबाई लिया हुआ रहता है
वो ताने का सूत्र कहलाता है, और जो चौड़ाई देता है वो बाने का सूत्र, यानी जो लेटा हुआ रहता है वो बाना कहलाता है, और जो खड़ा होता है सूत वह कहलाता है ताना। ठीक है, तो ताने का सूत्र कहते हैं, और चौड़ाई की दिशा दिखाने वाले सूत्र को उसे भराव या फिर बाने का सूत्र भी कहते हैं। यानी बाने का सूत्र किसे कहते हैं, भराव किसे कहते हैं, तो बाने के सूत्र को भराव कहते हैं। आगे देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ताने का सूत्र और बाने का सूत्र किसे कहते हैं। तो लंबाई वाला जो सूत्र होता है वो ताने का सूत्र कहलाता है, और जो चौड़ा लेके रहता है तो जो भराव रहता है वह कहलाता है बाने का सूत्र। अब देखिए बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जो अभी धागे से तंतु से धागे बनाने के जिस तरीके से प्रोसेस था उसी तरीके से बुनाई के भी कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस नाम याद रखिएगा, शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लपेटना व छोड़ना। ये क्या है, ये प्रमुख बुनाई के क्रियाएं हैं, बस आप लोग इतना ही जानिए। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, किनारी क्या होता है, यानी जो वस्त्र बनते हैं तो उनमें जो है वह किनारे भी कई तरीके के होते हैं। बात समझ आप लोग, जब वस्त्र बनते हैं, कपड़ा बन के तैयार होता है, तो उसकी किनारी के भी कुछ बहुत सारे नाम हैं। तो ये नाम जानिए क्या होता है। तो सादी किनारी वस्त्र के समान ही, यह सिकुड़ती नहीं है, और इसे वस्त्र संरचना में सिलाई की किनार में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, टेप किनारी, स्लिप किनारी, फ्यूज किनारी, लीनो किनारी और टक किनारी, ये सारे क्या है, ये सारे किनारी के नाम हैं। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की बुनाई, देखिए कौन सी बुनाई कैसी होती है। तो सबसे पहले देखिए सादी बुनाई इस तरीके से चेक चेक, एकदम एक के ऊपर एक, तो ये कैसी बुनाई हो गई, ये हो गई सादी बुनाई। कैसी बुनाई हो गई, सादी बुनाई। ठीक, तो भराव का प्रत्येक सूत्र एक छोड़कर एक ताने के सूत्र के ऊपर से नीचे, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इससे जो सादी बुनाई से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, यहाँ पर यह दिया गया है, आप लोग जानिएगा कि सादी बुनाई के कौन से वस्त्र बनते हैं। तो बेटिस्टे, वॉयल, जिंघम, ब्रॉडक्लॉथ और क्रीटोन, ये सारे वस्त्र किससे बने होते हैं, तो सादी बुनाई से बने हुए होते हैं। उसी तरीके से बास्केट बुनाई देखिए कैसा होता है। तो बास्केट बुनाई अभी हम बताते हैं, जैसे इस तरीके से हुआ, हम लोगों ने सादी बुनाई देखी, तो इसी तरीके से बास्केट बुनाई, जैसे एक दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, यानी कि रहेगा सादी बुनाई जैसे, लेकिन जो थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहेगा, तो दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, इस तरीके से क्या हो जाता है, बास्केट जैसा एक रूप दिखने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, बास्केट बुनाई कहलाता है। बास्केट बुनाई से कौन से वस्त्र बनते हैं, देखिए ऑक्सफोर्ड, मॉक क्लॉथ, ये सारे बनते हैं किससे, बास्केट बुनाई से। आगे देखिए, अभी मैं पिक दिखाऊंगी तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। रिब बुनाई किसे कहते हैं, रिब बुनाई इस तरीके से रस्सी की तरह होता है, और अंदर से धागे जो है वह बाने का धागा दिखाई नहीं देता है। ध्यान से समझिएगा, रिब में बाने का धागा दिखाई नहीं देता, जबकि ताने का धागा जो होता है वह ऊपर ऊपर पूरा दिखाई देता है। तो इस तरीके की बुनाई क्या कहलाती है, रिब बुनाई कहलाती है। इससे बने वस्त्र कौन से होते हैं, तो ब्रॉड क्लॉथ, पॉपलिन और टफेटा। टफेटा से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, तो टफेटा कैसी बुनाई का वस्त्र है, तो रिब बुनाई का वस्त्र है। अब देखिए ट्विल बुनाई क्या होती है, तो ट्विल बुनाई होती है चार या अधिक सॉफ्ट ताने के ऊपर से बंधित अंतरों से तिरछे रूप में आते हैं। जैसे इस तरीके से अगर ताने के धागे, बाने के धागे इस तरीके से हुआ, तो ताने के धागे में अंतर होता है, तो इस तरीके से ये समझ रहे डिजाइन आप लोग देखिए कि ये ट्विल बुनाई हो जाती है। सॉरी, क्या हो जाती है, ट्विल बुनाई, अभी मैंने बताया ट्विल बुनाई। तो ट्विल बुनाई से कौन से वस्त्र बनते हैं, तो सर्ज, डेनिम, गैबर्डिन और ट्विड। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि डेनिम किस बुनाई से बनता है, तो ट्विल बुनाई का बना हुआ वस्त्र है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, अब आगे देखते हैं। अभी देख लेते हैं, पिक देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए ये है सादी बुनाई, चेक जैसी, देखिए बहुत ही आराम से देखिए, जल्दी देखिएगा, ये सादी बुनाई का हो गया। ठीक है, सादी बुनाई हो गई, और ये देखिए ये होगी बास्केट बुनाई। अभी मैंने बताया सादी बुनाई रहती है, लेकिन बास्केट जैसी, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, तो इस तरीके से ये बास्केट जैसी दिखने लगती है। तो ये कौन सी बुनाई है, तो ये बास्केट बुनाई है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए ये रिब बुनाई देखिए, ताने का धागा तो दिख रहा है, लेकिन बाने का धागा इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये कैसी बुनाई है, तो ये रिब बुनाई है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए ये ट्विल बुनाई, देखिए अभी धारीदार मैंने अभी बताया, ये इस तरीके से ट्विस्ट करके, तो ट्विल बुनाई हो गई,
यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हो गई, फटाफट से आप लोग कमेंट बताइए कि बुनाई से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि बिना बुने हुए वस्त्र व फेल्ट क्या है। बोलिए धीरज जी। बोलिए, बिना बुने हुए वस्त्र अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? आप टाइप करके बताइए, मैं देख रही हूँ। बिना बुने हुए वस्त्र एवं फेल्ट किसे कहते हैं? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ठीक है? एग्जाम में पूछ लेता है ASTM का फुल फॉर्म बताइए, तो ASTM का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। याद से इसको याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है। यूथ से क्वेश्चन करा दे अभी इसी टॉपिक से। अच्छा, अभी देखते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल द्वारा बिना बुने हुए या निर्मित वस्त्रों की परिभाषा दी गई। अब परिभाषा आप लोग देखिए, ठीक है, परिभाषा देखिए क्या है, इन्होंने क्या दिए कि तंतुओं से संरचित वस्त्र जो कि बंधन द्वारा या तंतुओं के इंटरलॉक द्वारा या दोनों द्वारा आपस में पकड़ करते हैं, और यह क्रिया यांत्रिक, रासायनिक, तापीय या खोलक विधि से और इनके संयोगों द्वारा संपादित की जाती है। मेनली यहाँ आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से दिखाई देता है, ठीक है? अमेरिकन सोसाइटी एंड टेस्टिंग मटेरियल। अब देखिए, बिना बुना हुआ वस्त्र, प्रथम बिना बुना हुआ वस्त्र कौन सा था? तो प्रथम बिना बुना हुआ वस्त्र तापा वस्त्र था। कौन सा वस्त्र था? तापा वस्त्र, जो कि फिग वृक्ष के तने से तंतुमय छाल द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बिना बुना हुआ वस्त्र कौन सा था, तो तापा वस्त्र था, जो कि फिग ट्री के यानी कि फिग वृक्ष के तने की तंतुमय छाल से बनाया गया था। यहाँ पर उसकी पिक भी दिखाई गई है कि तापा वस्त्र कैसा होता है, ठीक? यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि फेल्ट क्या है। तो फेल्ट या नमदा वस्त्र व नमदा प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों की कताई व बुनाई के पूर्व ही तंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपस में मिलाकर वस्त्र तैयार करने की कला को नमदा प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है? वस्त्रों को कताई व बुनाई के पूर्व ही तंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में आपस में मिलाकर वस्त्र तैयार करने की कला को नमदा प्रक्रिया व इससे बने वस्त्र को नमदा वस्त्र या फिर फेल्ट भी कहते हैं, ठीक है? फेल्ट किसे कहते हैं? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि फेल्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फेल्ट क्या है, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस जानिए कि फेल्ट बनता कैसे। जैसे कि जो तंतु होते हैं, जब कंघी किए जाते हैं, कॉम्बिंग की जाती है उनकी, ठीक है? तो जो उनकी कॉम्बिंग की जाती है, तो जो छोटे तंतु, बहुत ही छोटे तंतु जो बच जाते हैं, फिर उन्हीं से फेल्ट बनता है। उन्हीं को फिर क्या किया जाता है, आपस में रख दिया जाता है, फिर उस पर रोलर यानी मशीन चला दी जाती है, उसको एकदम चपटा दबा दिया जाता है, जिससे कि वह काफ़ी मुलायम और रोएदार निकलते हैं। बात समझे, कॉन्सेप्ट आप लोग बस क्लियर रखिए कि फेल्ट होता क्या है। तो वही जो वस्त्र निकलता है वह क्या होता है, वह होता है नमदा, वही होता है फेल्ट, ठीक है? छोटे तंतुओं से बनता है और एक साथ बना के उसको चपटा कर दिया जाता है, रोलर्स के अंदर से उसको दबा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, तो यही हो जाता है नमदा। बस आप लोग इतना जानिए कि नमदा होता क्या है। अब देखिए, नमदे के प्रकार, नमदे का कितने प्रकार है, तो देखिए नमदे के ऊनी है, ऊनी नमदा, उसके बाद है फर नमदा, ऊनी नमदा, और क्या है, यह है फर नमदा, ठीक है? तो आप लोगों ने जो सॉफ्ट टॉयज बनाए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरीके के कपड़े होते हैं, एक तो फर वाले होते हैं, एक तो फेल्ट वाले होते हैं, यानी एक लंबे रोए वाले कपड़े होते हैं, एक छोटे रोए वाले कपड़े होते हैं। फर का आप लोग बस समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि क्या, कौन सी चीज़ क्या होती है। तो जो फर वाले कपड़े होते हैं फर होते हैं, और जो कम होते हैं उनको हम लोग फेल्ट का कपड़ा कहते हैं, वही क्या होते हैं, नमदा होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, एक डिज़ाइन पर बताया है कि नमदे पर कश्मीरी कढ़ाई, ये पिक आप लोग देख लीजिए, नमदे पर कश्मीरी कढ़ाई, कालीन वगैरह होता है ना, तो वो नमदा ही होता है, फेल्ट ही होता है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
अब इस ऐसा यहाँ से कुछ भी ऐसा। अब चलिए यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई। कल से हम लोग पढ़ेंगे कपास, ऊन और रेयन को। कल हम लोग ख़त्म करेंगे कपास, ऊन और रेयन को। आज मैंने बहुत ही छोटा सा सेशन रखा था, जिससे कि जो कि बचे हुए क्वेश्चन हैं बुनाई वगैरह से, फेल्ट हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब से क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए बहुत ही डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बाय चांस क्वेश्चन इससे देखने को मिल गए तो आप लोग इधर उधर ना देखें, आराम से क्वेश्चन को पिक कर लें। पूरे चैप्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी। और 9:30 बजे एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, 9:30 बजे आज हम लोग यूपी टीजीटी का 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट रिवीजन हम सीनू जी कैसे कराएं, 3 चैप्टर इतना लेंदी था, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में किया है, ठीक है। 3 चैप्टर आप मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा दें। मैं साथ साथ में आप लोगों को बताते चलती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में निकल के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करा दें, आप लोग खुद समझिए ना एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ऐसे ही बनते हैं। फिर अलग से मुझे इसको ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद लिखना पड़ेगा इसका। अभी और करा दें। अब देखिए ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है सीनू जी, ठीक है। जितना ज़रूरत था मैंने उतना आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग और भी ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पिक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से इसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। बट अभी जितना ज़रूरी है टीजीटी के लिए मैंने उतना आप लोगों को बता दिया। प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, आप मार्केट में देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आप लोग ज़रूर लीजिए कि प्रीवियस ईयर टीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। धन्यवाद सीनू जी, टीचिंग स्टाइल इज़ बेस्ट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनू जी क्या रह गया आपका, ओरली क्वेश्चन ही पूछ लें। चलिए फिर आप लोग फटाफट से, लेकिन फिर कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा, मैं बीच बीच में वैसे पूछती रहती हूँ बट आप लोग कमेंट में जो आंसर करते रहिएगा ओरली, तो मुझे बुक हटाना पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, आप लोग बस रिस्पांस करते रहिएगा, अगर मुझे लगा रिस्पांस कम है तो फिर मैं आप लोगों को जो है वह नहीं कराऊँगी। फटाफट से बताइए आप लोग बताते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं चीज़ें यहाँ पर क्या रखूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग चीटिंग ना कर पाए। चलिए हाँ अब बताइए आप लोग, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई को क्या कहते हैं। कमेंट है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग फटाफट कमेंट करिए, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई को क्या कहते हैं, या फिर आधार अगर जो भी हम लोग कहें, आधार इकाई जो भी है उसको क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए। धीरज जी यूथ अभी देखिए मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मैंने आप लोग, मैं ओरली पूछ रही हूँ ना, आप लोग बताइए कि वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक आधार इकाई क्या है, आप लोग बताइए। करेक्ट है रेशा यानी तंतु, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई तंतु है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि तंतु से धागा बनने की जो प्रोसेस होती है, तंतु से धागा बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप लोग बताइए। तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप लोग फटाफट से कमेंट करिए, तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर करिए, आंसर आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया कताई, करेक्ट है धीरज जी, नीतू जी, सीनू जी, यार्न कताई कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। सीनू जी यार्न तो धागा जब बन जाता है उसको कहते हैं ना, उस प्रोसेस को हम पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कताई, तंतु से जो धागा बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं कताई, उसी प्रोसेस से फिर धागे का निर्माण बनता है और उस धागे से फिर कपड़ा बनता है, बात समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, अब आप लोग बताइए कि जो सूत होते हैं यानी जो धागा होता है वो कितने तरीके का होता है, यानी कि सूत के कितने वर्ग होते हैं,
मैंने बताया था सूत के वर्ग कितने वर्ग होते हैं, सूत के सूत्र के कितने वर्ग होते हैं, कितने तरीके का सूत्र पाया जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है नीतू जी, धीरज जी, ठीक है, तीन। तो बेसिकली दो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग फटाफट से नाम उसके कर दीजिए। अच्छा अभी आप लोग ये बताइए कि लघु आकारी तंतु को हम लोग और क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लघु आकारी तंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं। करेक्ट है सिनु जी, थ्री टाइप। लघु आकारी तंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं। करेक्ट है नीतू जी, स्टेपल, स्टेपल लघु आकारी तंतु को कहते हैं स्टेपल तंतु। अब बताइए रेशम क्या है, रेशम कौन सा तंतु है, आप लोग बताइए स्टेपल है या फिर फिलामेंट। रेशम क्या है, स्टेपल है या फिर फिलामेंट। रेशम क्या है, रेशम फिलामेंट है। करेक्ट है फिलामेंट, फिलामेंट सबका करेक्ट है कि रेशम जो है वह फिलामेंट तंतु है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कताई से जो धागा बनता है उस प्रोसेस को मैंने अभी आप लोगों को बताया, उस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा है। जो कताई है, कताई का प्रारंभिक यानी प्रथम चरण कौन सा है। ठीक है, जैसे तंतु से हम लोग धागा बनाते हैं, उस धागे बनाने के प्रोसेस को कताई कहते हैं, उस कताई में प्रथम स्टेप कौन सा है। बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है कि कताई के प्रथम चरण को क्या कहते हैं, आप लोग आंसर करिए कताई के प्रथम चरण को क्या कहते हैं। करेक्ट है धीरज जी, कार्डिंग। ठीक है, कताई के प्रथम चरण को कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, सभी का सही है। अब यहीं पे बताइए कि कताई के जो अंतिम चरण है उसको क्या कहते हैं। कार्डिंग, कार्डिंग सभी का सही है। कताई की अंतिम अवस्था या फिर अंतिम चरण को क्या कहते हैं, कताई की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं। कार्डिंग तो जो है वो फर्स्ट स्टेप हो गया, कताई की अंतिम अवस्था को कताई ही कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्डिंग करते हैं, फिर कॉम्बिंग करते हैं यानी कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद खींच के निकालते हैं, खींच के निकालने के बाद रोइंग करते हैं, घुमाव देते हैं, उसके बाद कताई करते हैं और कताई करके ही धागे का निर्माण करते हैं, स्पाइनिंग। करेक्ट है स्पाइनिंग। यहाँ तक क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि किससे क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं। ठीक है, अब बताइए प्लाय सूत्र किससे बनता है, प्लाय सूत्र किससे बनता है। ऑप्शन मैं दे रही हूँ, दो इकहरे सूत्र से। अभी मैंने बताया प्लाय सूत्र जो बनता है वह दो इकहरे सूत्र, ऑप्शन ए है हमारा, दो इकहरे सूत्र से बनता है। ऑप्शन बी है एक इकहरा एक प्लाय, ऑप्शन सी है दोनों, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। जो प्लाय सूत्र है वह किससे बनता है, ऑप्शन में बताइए। ए है हमारा दो इकहरा सूत्र, या फिर एक इकहरा एक प्लाय। हाँ, करेक्ट आंसर नीतू जी अनुपम, कि दो इकहरे सूत से जो है वह प्लाय सूत बनता है। करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है कि दो इकहरा सूत, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि दो इकहरे सूत से प्लाय सूत बनता है। ठीक है, अब एक मैंने आप लोगों को पॉइंट छूट गया था, दो प्लाय सूत मिलके क्या बनाते हैं, तो दो प्लाय सूत मिलके रस्सी या कॉर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक इकहरा सूत्र दो इकहरा सूत से प्लाय सूत बनता है और दो प्लाय सूत से रस्सी का निर्माण होता है। अब आप लोग बताइए नॉवेल्टी सूत कैसे होते हैं। धन्यवाद चंदन जी। अब आप लोग बताइए नॉवेल्टी सूत मजबूत होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, बताइए नॉवेल्टी सूत मजबूत होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, फटाफट से आंसर करिए। ए है मजबूत, बी है कमजोर, तो बताइए। करेक्ट है आशा जी, अनु जी कमजोर होते हैं, धीरज जी कंफ्यूज हो गए। तो देखिए अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता देती हूँ। जो नॉवेल्टी सूत होते हैं तो उनमें ऐंठन कम होती है, और ऐंठन कम होने की वजह से ये सूत जो है वह, इससे बने कपड़े हल्के तो होते हैं लेकिन ये मजबूत नहीं होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि ऐठन उनमें कम होती है। ऐठन ज्यादा होती है तो कपड़ों में मजबूती भी आती है, कहते हैं ना सघनता, सघनता यानी बुनाई अगर सघन होगी तो वो कपड़ा उतना ही मजबूत होगा, बुनाई जितनी बड़ी बड़ी होगी तो कपड़ा उतना ही कमजोर होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोग स्टार्टिंग से इसको लेके चलेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। सघन बुनाई वाले कपड़े हमेशा मजबूत होते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं नीतू जी, ऐसे कैसे रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, ऑप्शन नहीं दिया था ना मैंने अभी आप लोगों को ठीक से। तो अब आप लोग बताइए कि इसी तरीके से जो है वह देखिए, इस तरीके से इसमें से इतना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, चलिए चलिए अब आप लोग 9:30 बजे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग जो भी पूछना है, जो भी कुछ चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, जरूर कहिएगा, ठीक है। चलिए फिर 9:30 बजे आप लोग UPTGT का, UPTGT 2019 या फिर आप लोग कह लीजिए 2016 या 2019, क्योंकि 2016 में फॉर्म भरा गया था, एग्जाम हुआ था 2019 में, ठीक है। तो धन्यवाद सीनू जी, तो 2016 का या कह लीजिए या फिर आप लोग 2019 कह लीजिए, उसके पेपर को हम लोग रात को 9:30 बजे आप लोग एकदम आ जाइएगा, ठीक है, एकदम आप लोग करेक्ट आ जाइएगा 9:30 बजे। क्लास चलेगी UPTGT प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, 2019 का पेपर है, हम लोग बहुत ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और ज़रूर से आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप लोगों की संख्या बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, थैंक यू।